वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? बढ़िया? व्यस्त हो? मस्त हो अपने कामों में, पढ़ाई में, है कि नहीं? आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। वैसे फिजिक्स में हम पढ़ते ही ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये टॉपिक कुछ खास है। ये तो राह चलते आप इस चीज़ को देखते हो, बैंकिंग ऑफ रोड्स। जब आप मोड़ काटते हो, खासकर फ्लाईओवर्स में, आपने देखा होगा कि सड़क अजीब सी ढलान लिए हुए होती है ना? इसी को पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्यों करते हैं, कितनी स्पीड पे हम मोड़ काट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हमारी क्या हो सकती है, कम से कम स्पीड हम कितनी रख सकते हैं ताकि हमारी गाड़ी सेफली टर्न कर जाए। तो ये होंगे हमारे टॉपिक जो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंडर आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। सबसे पहले मैं बताऊं कि रोड बैंक कैसा दिखता है। ये जब आपका मोड़ आता है, आप क्या होते हो? मुड़ जाते हो। मोड़ आता है, आप मुड़ जाते हो। तो ये मोड़ है, लेकिन हमारी सड़क थोड़ी सी बैंक है, तो हम उसको इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे सड़क को। हमें साफ नजर आ रहा है कि सड़क यहां पर थोड़ी सी बैंक है, ढलान है, ऐसे ढलान है। ठीक है, मैंने सही बनाया, साफ दिखाई दे रही है ढलान। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है वो ग्राउंड के लेवल में है, और ये आउटर एज है, ये है आउटर एज, ये जमीन से ऊपर है, उभरी हुई है। ठीक है, और सड़क इस तरीके से ढलान है। अगर आप यहां पर कोई चीज रख दोगे तो वो लुढ़क करके इस तरफ आ जाएगी, और इसका रेडियस है इस, क्योंकि इसका ये गोल रास्ता है, कुछ ना कुछ कर्व है, तो इसका कुछ रेडियस होगा। हम लोग बीच सेंटर का एक रेडियस मान लेते हैं। ये सड़क की मिड की लाइन है, मीडियन कह सकते हैं इसको, है ना? और ये है हमारा रेडियस, यानी यहां पर सड़क आर रेडियस के मोड़ पे मुड़ती है। तो हम ऐसे जाते हैं, मोड़ आता है, हम मुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ढलान के साथ मोड़ है, ये मोड़ ढलान वाला है। और इसको हम लोग ज़्यादातर ऐसे दिखाते हैं। अब इस रेडियस को मैं हटा लेता हूँ, इसका काम पूरा हो गया। ये देखो, इस तरीके से ढलान है, और ये जो मैंने लाइन बनाई ये ग्राउंड के पैरेलल है, तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। इतने एंगल पर हमारी सड़क मुड़ी हुई है। तो ये वाला जो डायग्राम है हम अब यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है कि किस तरीके से हमारी सड़क बैंक होगी। ठीक है, हम केवल इस ट्राइंगल से काम चलाएंगे। ये होगा हमारी उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो ढलान के अलोंग है, ये ग्राउंड के पैरेलल है, और ये वो हाइट है, ये वो हाइट है जितनी ऊंचाई पर हमारी सड़क का आउटर एज उठा हुआ है, रेज्ड है, ऊपर की तरफ है। ठीक है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक। चलो अब हम निकालेंगे इसके अंदर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है और मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है, और फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करते समय खास सावधानी बरतनी पड़ती है ना? कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। सेंट्रीपिटल कब इस्तेमाल करोगे, सेंट्रीफ्यूगल कब इस्तेमाल करोगे, इसके लिए कोई अलग से आपको मैं वीडियो को दिखने के लिए नहीं कहूंगा, ना ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसा कोई वीडियो अटैच किया है। यहीं पर दो बातें बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रीपिटल शब्द कब इस्तेमाल करना है और सेंट्रीफ्यूगल कब करना है। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बिना सोचे समझे मिक्स नहीं करना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो फोर्सेस हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जब मैं बताऊँगा आपको मैं स्पेशल नोट करवाऊँगा कि देखो अब हम सेंट्रीपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हम सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हैं। ठीक है, इस बात पर आप भी ध्यान देना, ये ध्यान देने योग्य है। चलो अब अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं हम लोग, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी सड़क बैंक होगी तो, और फ्रिक्शन भी नहीं होगी, तो हम लोग कितनी स्पीड से मोड़ काट सकते हैं। टेकिंग अ टर्न
ऑन स्मूथ बैंक्ड रोड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे हम लोग निकालेंगे रिलेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, रिलेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो ये है हमारा वो बैंक रोड। अब मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है इसको, ये है एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, ये है हमारी गाड़ी, हम लोग पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, गाड़ी ऐसे मोड़ काट रही है और हमें पता है आर रेडियस का मोड़ काट रही है, वी स्पीड से मोड़ काट रही है, ये सारी बातें हमें पता है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? कुछ फोर्सेस तो हमेशा वैसे लगते हैं, जैसे mg, ये फोर्स तो हमेशा ही लगेगा क्योंकि ये ग्रेविटी का फोर्स है ना, धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ खींचती है। तो mg, अगर हमारी गाड़ी का मास है m, g है एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी। और कौन से फोर्स लगेंगे? ये लगेगा रिएक्शन फोर्स, ये लगेगा रिएक्शन फोर्स। ओके, अब देखो, अगर हम लोग रिएक्शन को कंपोनेंट्स में बांटें तो हम इस तरीके से बनाएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो ये इस तरीके से अगर हम बनाएं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। तो अगर ये आर है रिएक्शन फोर्स तो इसे कहेंगे आर कॉस थीटा, और इसे कहेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स तो समझ में आते हैं ना आप लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है। एक बार मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारी कोई ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये जो डिस्टेंस है मान लो h है, और हमें ये निकालनी है और ये निकालनी है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, या ऐसे भी आपको पता ही होगा कि इन दोनों से मिलकर ये बनता है ना, ये बेस और हाइपोटेनस, इन दोनों से मिलकर हाइपोटेनस, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर से मिलकर हाइपोटेनस बनता है, और हाइपोटेनस को ब्रेक करें तो इन दोनों में बट जाएगा, इन्हीं को कंपोनेंट्स कहते हैं। जो तिरछा होता है उसको सीधा करना, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना होता है। हम लोग यहां पर सेंट्रीपिटल वाली एक्सप्लेनेशन से कैसे समझेंगे कि सेंट्रीपिटल वाला शब्द इस्तेमाल करना है? देखो, अगर आप ऑब्जर्वर हो और बाहर खड़े हो, दूर खड़े हो और दूर खड़े हुए गाड़ी को मुड़ते देख रहे हो, आपको पता है कि मोड़ काटने के लिए, किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाने के लिए लगातार टेंशन अंदर बनी रहनी चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, लेकिन सन लगातार खींचते रहता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी बाहर खड़े हुए आदमी को कहेगा, भाई ये चीज घूम क्यों रही है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही है। बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर को सेंट्रीपिटल के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करनी होती है। क्लियर? मैंने कहा था ना, मैं आपको नोट करवाऊंगा, तो ये आपको नोट करनी है कि अगर आप बाहर खड़े होकर के इस गाड़ी को मुड़ते हुए देख रहे हो तो आप कहोगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिएक्शन दे रहा है, जैसे अर्थ को सन देता है, पत्थर को रस्सी देता है कि नहीं? तो हम गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है मोड़ काटते समय, किसी भी चीज को गोल घुमाते समय। ठीक है, तो ये दे रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो हमारा आर साइन थीटा है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर कॉस थीटा, हमारी गाड़ी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बैलेंस है, तो हम कहेंगे आर कॉस थीटा mg के इक्वल है। अब हमारी गाड़ी अपने r रेडियस के मोड को काट रही है। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं सारे इक्वल और अपोजिट हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो अगर हम इनका रेशो निकाल लें तो हम मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, और v आएगा rg tan थीटा का रूट। ये मैंने आपको समझाया सेंट्रीपिटल के हिसाब से, यानी बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से। लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठे हो,
ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, आप गाड़ी मोड़ काटते हो तो आपको अजीब सा एक फोर्स बाहर की तरफ धकेलता है, उस फोर्स का कारण नहीं है, उस फोर्स का कारण इनर्शिया तो है, उस फोर्स का कारण इनर्शिया तो है, लेकिन उसको लगाने वाला दिखाई नहीं देता कि लगा कौन रहा है, इसलिए उसको सुडो फोर्स कहते हैं। तो गाड़ी चलाने वाले को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देता है, महसूस होता है। तो मैं उस हिसाब से भी आपको समझा दूं कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करते हो, इस टॉपिक को करते हो, तो क्या करोगे, तो ये वही आपकी गाड़ी, एम मास की गाड़ी, ठीक है, इस पे बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर बैठा है, ठीक है, देखा अंतर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी में बैठे हुए आदमी को फील होगा, तब हम ये नहीं कहेंगे वो मोड़ काट रहा है, उस मोड़ काटने को एडजस्ट करने के लिए हमने ये लगाया है, याद रखो, इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर बैठे हुए आदमी को फील हो रहा है, और ये हमारा पुराना mg, ये है रिएक्शन, और मैंने जैसे बताया था ये r cos थीटा, क्योंकि ये एंगल हमारा थीटा होगा, ये r sin थीटा, एक बार फिर से बता दूं कैसे आया, ये थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो अगर ये रिएक्शन r है, r cos थीटा, r sin थीटा। अब हमारी गाड़ी ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना इधर जा रही है, ना इधर जा रही है, सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम लिख सकते हैं r sin थीटा mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होगा, r cos थीटा mg के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। दोनों एक्सप्लेनेशन में फर्क क्या है, बोलने का और बताने का फर्क है। ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है एंड गाड़ी इज टेकिंग अ टर्न, गाड़ी मोड़ काट रही है, यहां पर हम लोग गाड़ी के मोड़ काटने की बात नहीं करेंगे, अंदर बैठा हुआ आदमी, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी मोड़ जरूर काट रहा है, लेकिन वो कहेगा अगर उसके आसपास सड़क वड़क सारी हटा दी जाए, सब उसे एम्प्टी कर दिया जाए, तो मोड़ काटना उसको दिखाई नहीं देने वाला, ठीक है। तो अंदर बैठा हुआ आदमी रोटेटिंग फ्रेम में होगा, उस वो कहेगा मुझ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तब हम ये एक्सप्लेनेशन से करेंगे, क्लियर, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, बाहर खड़ा हुआ आदमी, अंदर बैठा हुआ आदमी, दोनों की एक्सप्लेनेशन अलग अलग, लेकिन आंसर दोनों का सेम, और सेम आना ही चाहिए, तभी तो फिजिक्स सही साबित होगी। तो ये वो केस किया जब हमारा बैंक रोड स्मूथ होगा, लेकिन अगर सड़क पे फ्रिक्शन भी है, और तब हम लोग निकालना चाहें कि ज्यादा से ज्यादा हमारी स्पीड कितनी हो सकती है, कम से कम हमारी स्पीड कितनी हो सकती है, वो केस हम करेंगे। सो टेकिंग अ टर्न ऑन अ रफ बैंक रोड, अब हम करेंगे रफ बैंक रोड, और मैक्सिमम स्पीड के लिए करेंगे, हम लोग करेंगे मैक्सिमम स्पीड के लिए, रिलेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड टेकिंग अ टर्न ऑन अ रफ बैंक रोड, हमारा जो रोड है वो रफ है और बैंक्ड है इस तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग कहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गाड़ी है, तो हम किस फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल की, ठीक है। तो ये है हमारी गाड़ी और इसका मास है m, लगने वाले फोर्सेस होंगे mg, और क्योंकि हम गाड़ी के फ्रेम में हैं, रोटेटिंग फ्रेम में हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, तो ये होगा mv स्क्वायर बाई r, r है हमारे रास्ते का रेडियस, हमारे मोड़ का रेडियस, और ये होगा रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम स्पीड, हम अपनी स्पीड को कहां तक बढ़ा सकते हैं, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज बढ़ेगी, और इसके कंपोनेंट्स, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये इसके पैरेलल है ये वाली लाइन, और ये तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो एम वी स्क्वायर बाई आर है, तो ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा होगा,
mg के दो कंपोनेंट, एक mg साइन थीटा और यहां पर mg कॉस थीटा, ये दोनों इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम स्पीड, टॉपिक को समझो, मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं। हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो हमारी गाड़ी ऊपर सरकने की कोशिश करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां प्रोड्यूस होगा, याद रखो हम रफ रोड की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारी गाड़ी इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगी, सड़क के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक बढ़ेगा, और जब उस लिमिट तक पहुंच जाएगा तब हमारी गाड़ी वाकई में ऊपर चलना शुरू कर देगी और वो अनसेफ होगा, है ना। तो सेफ्टी इसी में है कि ये जो फोर्स होगा हमारा रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो, है कि नहीं। और क्या, तो ये इसके इक्वल और रिएक्शन हमारा इसके इक्वल, तो लिख लेते हैं, क्लियर है। तो हमारा जो रिएक्शन है वो इन दोनों के इक्वल है, यानी कि mv स्क्वायर बाई r sin थीटा प्लस mg के इक्वल है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये वाला फोर्स हमें ऊपर शिफ्ट करना शुरू करने की कोशिश करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अगर ये स्पीड बढ़ती जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला फोर्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, वो होगी हमारी मैक्सिमम स्पीड। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा is equal to mg sin theta plus force of friction, जो limiting value तक पहुंच गया है, maximum value तक पहुंच गया है, वो वाला force of friction। अब इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं mv square by r cos theta is equal to mg sin theta plus coefficient of friction into normal reaction, लेकिन normal reaction तो वो है, value put कर लेते हैं। So mv square by r cos theta is equal to mg sin theta plus mu times ये सारी चीज, so mu mv square by r sin theta, mv square by r sin theta plus mu mg plus mu mg। हम लोगों को क्या निकालना है, स्पीड। तो v वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, v यहाँ है तो mv square by r, और यहाँ से mv square by r कॉमन भी निकाल लेते हैं साथ साथ, mv square by r ब्रैकेट में ये cos theta, और क्योंकि हम इस वाली टर्म को यहाँ पर लाए हैं तो माइनस के साथ लिखेंगे mu sin theta। और उस तरफ क्या बचा, उस तरफ mg sin theta और यहाँ पर mu mg cos theta, मैंने गलती कर दी क्या, mu r, r mg cos theta भी आएगा, यहाँ गलती कर रखी है। देखो रिएक्शन mv square by r sin theta plus mg cos theta के इक्वल है, तो यहाँ पर cos theta भी आना चाहिए। तो क्या बचा, यहाँ पर ये दो टर्म बची हैं, mg को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा sin theta plus mu cos theta, ठीक है। और अगर हम v निकाल लें, m से m काट देते हैं, तो v अगर हम निकालें तो v हमें मिलेगा v स्क्वायर मिलेगा r g, बल्कि इसको मिटाई लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, या थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू r g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन, इसको थोड़ा हटा ही लेते हैं, अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये होगी हमारी वी स्क्वायर, और वी क्या बनेगा, वी बनेगा अंडर रूट ये सारी चीज आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखो ये वी मैक्स है,
ये वो मैक्सिमम स्पीड है, ये समझना है आपको। फिर से मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी स्पीड मैक्सिमम कैसे डिसाइड होगी। जब आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल, अंदर बैठे हुए गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखो, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये फोर्स बढ़ेगा, गाड़ी ऊपर सरकनी शुरू करेगी, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगा, बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू तक हम जो है अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो mg sin थीटा प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के सम तक हम इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये डिसाइड होती है, इससे डिसाइड होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो मोड काटते समय हम ले सकते हैं। बात समझ में आई? अब मिनिमम की बात करेंगे तो अब देखो ढलान है ना, गाड़ी इतनी ज़्यादा ढलान है तो गाड़ी नीचे भी शिफ्ट कर सकती है ना, तो एक मिनिमम स्पीड भी होनी ज़रूरी है, मिनिमम स्पीड भी होनी ज़रूरी है। जब मिनिमम स्पीड होगी यानी ये डिक्रीज़ करता जाएगा, ये डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, तो अगर ये डिक्रीज़ करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी घटता जाएगा और घटेगी तो ये और घट जाएगा, ठीक है। एक समय ये mv square by r cos theta mg sin theta के बराबर हो जाएगा, तब तक गाड़ी सेफ टिकी रहेगी। mv square by r cos theta mg sin theta के इक्वल हो जाएगा, तो वो हमारी वो वाली वेलोसिटी आएगी जो हमने फ्रिक्शनलेस स्मूथ मान करके निकाली थी। आप देख भी सकते हो v cos tan बन जाएगा, v से m से m कट जाएगा, सो rg tan theta, सो v = rg tan theta। लेकिन अगर हमारी उस स्पीड से भी कम हो जाएगी, किससे, जब हमारी mv square by r cos theta is equal to mg sin theta था, उससे भी कम हो जाएगी, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगने लग जाएगा और हमें बचाएगा, वो भी एक लिमिट तक बचाएगा, और वो लिमिट होगी मिनिमम स्पीड की, है ना। चलो करते हैं, तो टॉपिक का नाम होगा टेकिंग अ टर्न ऑन अ रफ बैंक रोड, रिलेशन फॉर मिनिमम स्पीड। हम मिनिमम स्पीड की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मिनिमम स्पीड की, रिलेशन फॉर मिनिमम स्पीड। तो ये है हमारा वो बैंक रोड जिसको थीटा डिग्री के एंगल पर बैंक किया है, ये हमारी गाड़ी है जिसका मास m है और इस पे लगने वाले फोर्सेस तो हमें पता ही हैं, ये सीधे सबसे पहले बनाएंगे mg। ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और गाड़ी के फ्रेम में बैठे हैं, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, गाड़ी के फ्रेम में बैठे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे, ये आपको बाहर की ओर धकेलेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि ये स्पीड घटती जाएगी तो आपका ये वाला कंपोनेंट जो मैंने बताया था, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा भी घटता जाएगा, लेकिन आपको mg sin थीटा बचाएगा, ठीक है, और फ्रिक्शन का फोर्स भी बचाएगा, इस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, लेकिन ये घटते 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 एक समय बाद सिर्फ mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगी, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। ये वो कंडीशन होगी स्मूथ रोड वाली, लेकिन जब हमारा mv square by r sin थीटा mg cos थीटा से छोटा हो जाएगा और नीचे जाने की कगार पे होगा, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी अब नीचे की तरफ सरकने की कोशिश करेगी, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा बचाने के लिए, लेकिन इसकी भी सीमा है, इसकी भी लिमिट है, उस लिमिट तक हम अपनी स्पीड को घटा सकते हैं, है ना। तो अगर हम घटाते जाएंगे तो mv square by cos theta और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सम उस समय mg sin theta के जब ये इक्वल हो जाएगा तब हमारी उस गाड़ी की मिनिमम स्पीड होगी, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हम लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे mv square by r cos theta जब हमारी घटते घटते बहुत घट जाएगी और हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी अंत आ जाएगा, उसकी लिमिट आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उस समय ये दोनों मिलकर के mg sin थीटा के इक्वल हो जाएंगे सामना करते करते, ठीक है। लेकिन f है हमारा म्यू r, और r की वैल्यू क्या है यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा r है, mg, mg के दो कंपोनेंट, mg cos थीटा, mv square by r के भी दो कंपोनेंट, ये वाला और एक ये वाला mg
सॉरी एम वी स्क्वायर बाई आर और साइन थीटा। तो रिएक्शन किसके इक्वल हुआ? रिएक्शन इन दोनों के इक्वल हुआ। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब इसके वैल्यू पुट करके वी के लिए सॉल्व कर लेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस एफ की जगह क्या लिखेंगे, ये सारी चीज लिखेंगे म्यू आर ही लिख लेते हैं फिलहाल, तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, एम जी साइन थीटा। और अब हम लोगों को वी चाहिए, अब इसकी वैल्यू पुट करनी करनी पड़ेगी हम लोगों को, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू आर की वैल्यू ये सारी चीज म्यू आर। अच्छा ये मैंने म्यू आर डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर, सो म्यू आर ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, हम निकाल रहे हैं मिनिमम स्पीड के लिए रिलेशन। हम v इकट्ठा कर लो, एम वी स्क्वायर बाई आर को एक तरफ निकाल लो, अंदर यहां बचा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू बाकी चीज को उधर ले जाओ, mg को कॉमन निकाल लो, ये बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, और फिर v के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, तो इस फिगर को मिटाई लेता हूं आखिर। सो एम से एम काट लेते, पहले एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर बनेगा आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और वी क्या आया? वी आया इसके अंडर रूट में डाल देंगे, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये है वी मिन, मिनिमम स्पीड। बहुत इजी, सोच सोच के ध्यान से समझ समझ के करोगे, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो हमने तीन केसेस करे बैंकिंग ऑफ रोड के, कि अगर स्मूथ रोड होगा तो हमारी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, बिल्कुल सिंपल केस। ठीक है, दूसरा हमने किया कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, जब मैक्सिमम स्पीड होगी हमारी गाड़ी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे तरफ होगा, और जब हमारी मिनिमम स्पीड होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी सहायता के लिए हमारे हमारी तरफ आ जाएगा। दो केस। अच्छा, फिर मैंने आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के बारे में बार बार बताते रहा हूँ, एक बार फिर याद दिला दूँ कि जब आप बाहर खड़े होकर किसी मुड़ती हुई गाड़ी को देखोगे तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की चर्चा करोगे, सारे फोर्स जो लगेंगे ना वो सेंट्रीपिटल ही कहोगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का नाम नहीं लेना। लेकिन जब आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठोगे, जब मुड़ती हुई गाड़ी में बैठे हुए होगे, तब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे और ये नहीं कहोगे कि गाड़ी मुड़ रही है। ये खास बात है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। सी यू, बाय।